अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसामा ताबी चैनल में आपको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक अपनी रहमत से आपकी मुश्किलात दूर फरमाए, अल्लाह पाक आपके लिए आसानी फरमाए। आमीन सुमा आमीन। आज हम बात करेंगे हाव में गोरा देखने की मुख्तलिफ सूरतें और इसकी मुख्तलिफ ताबीरों के बारे में। अगर आप इन ताबीरों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें। हाव में गोरा देखना, गोरे पर बैठना दलील है सब हाव के माल दौलत इज्जत मर्तबा उहदे में इजाफा होगा। हाव में गोरे की दुम मोटी और लम्बी देखना दलील है सब हाव के हाँ मलाजम काम करेंगे, यानी साब हाब मलाजम हायर करेगा, यानी साब हाब का काम कारोबार या बिजनेस इस कदर वसी हो जाएगा कि साब हाब के आगे मलाजम काम करेंगे। अगर कोई हाब में देखे गोरे के साथ लड़ाई करता है और गोरे पर गालिब आ जाता है और गोरा फर्माबिदार हो जाता है, दलील है साब हाब अपने मकसद में कामयाब होगा और साब हाब के दुश्मन साब हाब को कोई नुकसान ना पहुंचा सकेंगे। अगर कोई हाव में देखे गोरे पर बैठकर हवा में उड़ा या देखे गोरे के पर परिंदों जैसे हैं और परिंदों की तरह गोरा उड़ रहा है, दलील है साब हाब दीनो दुनिया दोनों में बुजुर्गी पाएगा, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा ख्वाब है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। अगर कोई ख्वाब में देखे ऐसे गोरे पर बैठा है जिसकी रंगत कुछ सफ़ेद है और कुछ स्याह है, दलील है साब हाब ऐसा काम करेगा जिसकी गवाही लोग देंगे। हाँ में खुद को सुरख जर्दी माइल गोरे पर सवार देखना दलील है साब हाब के दीन की दुरुस्तगी और हुक्मरान से इज्जत पाने की, माशाल्लाह से ये भी हाब बहुत अच्छा है। हाँ में सफ़ेद घोड़े से उतरना थोड़ी बीमारी की अलामत है, यानी साब हाब थोड़ा सा बीमार होगा। ऐसा हाब देखने वाले को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिगफार करे और दुआ करे और अपनी ताकत के मुताबिक सदका दे। सदका मुसीबतों को टाल देता है और दुआ से तकदीर बदल जाती है। हाव में अरबी गोरा देखना इस तो मर्तबा बुलंद होने की अलामत है, माशाल्लाह से ये भी ख्वाब बहुत अच्छा है। अगर कोई हाव में देखे गोरे पर जंग का सामान लगाकर बैठा है, हथियार लगाकर बैठा है, दलील है साब हाब बग़ैर किसी रुकावट के कामयाबी हासिल करेगा और दुश्मनों पर फतह पाएगा। अगर आपने कोई ख्वाब देखा है और इसकी ताबीर जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपनी दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।